कहनाए हमसे कर्मी बहुत हैं गुरु तुमसे दाता नाए तुमसे दाता नाए भरोसो मोको भारी निश्चित धरे ध्यान अरज कर लीजो कृष्ण मुरारी गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लई धार नाब पड़ी मझधार में सुखे चुल गई ओ पर सोवत हो तो जागियो जागत हो मुख बोल मैया ना हर बारी मेरी बजुर्ग की बारी खोल। हाँ तो मेरे प्रिय श्रोता हो त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से हम आपके समक्ष सर्वनीर किस्सा कहने के लिए जा रहे हैं। सुनिए बड़े गौर से। आमिले नाम की नारी थी पति वीरता पति की प्यारी थी पति की प्यारी थी अरे सरवर नीर पुत्र प्यारे दो बच्चन की मेहतारी थी माया विचित्र अखिलेश्वर की नहीं समझ किसी की आती है जन क्या से क्या दिखलाई विधाता प्रभु की गति कहलाती है की बानी को हाय टूटे फूटे शब्दों में कुछ दुख की भरी कहानी को होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे लक्ष्मी नारायण कौशल के ये भजनों में समझाएंगे मेरे नौजवानों एक महात्मा जी चले हैं अंबा नगरी में और क्या हुआ है अंबा नगरी आए सखुन एक साधु फरमायो महात्मा को देख करके नर नारियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और महात्मा पूछने लगे क्या बोले हैं मेरा पूरो करे सवाल आज कोई लाल प्रभु को प्यारो अरे जाकी पत राखे करतार अरे जगत को है रखवारो जब काल बली भक जाई रे चले नहीं भैया चारो आज महात्मा जी कहने लगे हैं कि भैया मेरे सवाल को कोई पूरा कर सकता है क्या। उसी समय कहने लगे कि महात्मा जी अरे साधु जी महाराज पास तुम राजा की जाओ अरे साधु जी महाराज पास तुम राजा की जाओ अरे पुराना इच्छा होए न खाली हाथ नहीं आओ आज कहने हमारे राजा के पास जाइए बड़े प्रतवादी राजा हैं उनके दरबार से कोई आज तक खाली न गया। सुनिए महाराज है दया धर्म की खाने अरे धन दौलत की चलती कहाए मांगे पे गहाए दे अपनी
इस प्रकार से जो महात्मा जी ने सुना है, तो महात्मा जी चल दिए और क्या हुआ भैया? जब प्रवासी की सुनी संतने बानी, पहुंचे राजा के पास तुरंत राजधानी। आज राजा अंब की कचहरी में पहुंचे महात्मा जी। जो ही महाराज ने आगे को निगाह बढ़ाई है, देखा महात्मा को, गद्दी से खड़े हो गए और क्या बोले हैं महात्मा? महाराज आज मैं आयो तेरे पास, अरे जब जानू मैं तो ही करे मेरे दिल की पूरी आस। आज कहने लगे हैं कि राजन, आज मैं बड़ी दूर से आशा लगा करके तेरे दरवाजे पे आया हूं, यदि मेरी इच्छा पूरी करो तो। राजा सिंहासन से खड़े होकर के महात्मा के चरणों में लिपट जाते हैं, बड़े आदर से उन्हें सिंहासन पे बिठा ला। बोले मैं कहिए आप क्या चाहते हो? ए सुनी संत की बात, जोड़ दो हाथ भूप कई बानी, अरे तुम जो मांगो सो दे देंगे, हाय संत अरे सैलानी। मांगे ना महाराज, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। ए मधुर बचन मुख बोल, कहा दिल खोल, कहा यजमानी, कहा यजमानी, खटका कह दो सापो न करियो आप गिलानी, जे खटका कह दो सापुरे न करियो आप गिलानी। आज राजा कहने लगे महाराज मांगिए, आप बेखटका होकर के आप मुझसे कहो आप चाहते क्या हो? अरे बनवाए दो मंदिर साला महाराज, मांगो तो सही, यदि आप चाहें तो मंदिर बनवा दूं। और सुनो, अरे ओलन को देंगो दोसाला, अरे ओलन को देंगो दोसाला, और बढ़िया सो कम्बर काला, आज कहने लगे हैं यदि आपको मंदिर की इच्छा हो तो मंदिर बनवा दूं, और कंबल चाहिए तो मैं बढ़िया सा कंबल दूं, अरे दुशाला में दूं। महात्मा कहने लगे राजा मैं सब ऐसा महात्मा नहीं हूं जो कि दर दर पे भीख मांगता फिरूं। सुन एक बात, हाँ महाराज कहिए। जो या सादे तोड़े प्राण दो छोड़े न बिलम लगाऊं, नहीं दे तेरे वाचा मोई रे कहूं सो राजा पाऊं। राजन मुझे पहले तिरवाचा भर दो तिरवाचा। हाँ हाँ महाराज। दाना न खाना खाऊं, न खाना खाऊं, छोटो सो एक सवाल
रे कहो तो बतलाऊ, झूठो तो एक सवाल रे कहो सोई। आज महात्मा कहने लगे, राजन पहले मुझे आप तीन वचन दीजिए। राजा आज गंगा को साक्षी देकर के तिरुवाचा भर देता है और अरे सुने भूप संत कोई मरना, अरे सुने भूप संत कोई मरना महाराज, और दो झपट गिरो भैया चरना, अरे बाबा मती ऐसी करना 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 जी करना, हम तो आ गए तुम्हारी शरणा, हम तो तुम्हारी शरण में पड़े हुए हैं, मांगिए ना। आए मोए मन को भेद बता दियो भोले बाबा जी, बाबा जी मेरे बाबा जी भोले बाबा जी, कुछ धन की महाराज मोको बात बता दियो मन की, झोली भर ले जाबो स्वरण की, महाराज अरे तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी, मोए मन को भेदो बता दियो भोले बाबा जी। अरे भरी तेरा वाचा कहूं खुलासा, पूरा न करूं तुम्हारी आशा, लौटू मिले नरक कोई बासा, अरे मेरे दिल को धीर बना दियो भोले बाबा जी बाबा जी भोले बाबा जी। आज मेरे नौजवानों तीन वचन राजा दे करके और कहने लगे, महाराज मांगिए ना, मैं तीन वचन आपको दे चुका हूं, यदि मैं पीछे लौटता हूं तो मुझे नरक का वासा मिले। तो कहने लगे, राजन दही के धोकर चूना मचार जाना, ले सुन। अरे तब दियो भूप विश्वास संत कही बानी, तुम हमको देव गहाई सभी रजोधानी, महाराज राज मोई करने किरे दरकारो, अरे जो तू नाई करे द्वार पे खाए के मरु पचार, महात्मा जी कहने लगे, राजन यदि तूने इनकार कर दिया तो कसम है मुझे मैं तेरे दरवाजे पे मर जाऊंगा मर। आज बंधु राजा नहीं समझ पाए, बोले महाराज मुझे इनकार कब है, लो
मैंने गादी दई तुम्हारी भई सभी राजधानी, तुम जो चाहो सो करियो रे के आप मन मानी। लीजे लीजे महाराज, मैंने ये राजपाट सब आपको दे चुका हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। कौन सी? मेरी प्रजा को संताप न देना, आप कहूं सच वाणी, कहूं सच वाणी, मत धरियो शीस पे पापू रे धर्म की बाबा हानि। आज बंधुओं, महात्मा जी ने कहा कि राजन मेरी गद्दी हो चुकी, कि हां मैंने तुम्हें गद्दी दे दी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरी प्रजा किसी प्रकार से दुखी न होने पावे। मैंने अपनी प्रजा को बच्चों के समेत जैसे बच्चों को पालते हैं उस प्रकार से मैंने पाला है। ओहो बंधु, जो इतने शब्द कहे महात्मा एकदम से भौं चढ़ा गए। बोले राजा, अरे साधु ने वचन वचारो, अरे साधु ने वचन वचारो वचारो गजब भौं उचारो, हम तो दे संताप करारो, अरे प्रजा पे राज हमारो, अब तू कौन है कहवे वारो, अब तू कौन है कहवे वारो। आज कहने लगे, अब हम चाहे दुखी रखे चाहे सुखी रखे, लेकिन तू कौन होता है जब हमें राज दे चुका। राजा सुन, अरे जो कोई जैसा करे अगारी बैसाखी पावे, अरे वो है पेड़ बबूल आम के फल कहते खावे। राजा और सुनो, अरे कहूं खुल्ला मखुल्ला बानी, अरे राजा धानी को छोड़े चले जा तुम चारो प्राणी। सुन लिया मैंने क्या कहा आपसे? हाँ महाराज, मैं आज्ञा देता हूं, मेरा राज हो चुका है, मैं यहां का राजा हूं, आप निकल जाइए चारों प्राणी। बंधु जो इतने शब्द कहे, अरे रीति की नीति बताइए, अब सोच समझ तत्काल भूपने नारे नवाइए। हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे फिर महलन को आए और यावत बल मन हारे नारे ने पल गो नवाए हैं। आज मेरे नौजवानों, राजा धीरे 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 जब महलों में घुसे हैं, आज उनकी प्राण प्यारी आमली ने देखा फौरनी पलका नवा दिया है। हाय उदासी चेहरा पे छाई, अब देखो बदन मलिन जोर कर रानी बतराई। महाराज बैठिए ना, आप बैठो महाराज। राजा नीचे गर्दन करके बैठ गए पलका पे। अरे प्राणपति मोकू समझ आओ, अब कौशल क्या गति भई शोक को समझ उमड़ आयो। आज
महाराज बंधु। रानी आमली हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज बतलाइए ना मुझे, आज तुम्हारे चेहरा पे कैसी उदासी है। महाराज कहने लगे, रानी आज तो हमारी दुनिया ही लुट चुकी। बोले क्यों? अब होनहार की बात कहूं क्या प्यारी। ओ रानी, एर को आए गए दरबार संतो से लानी। तो क्या हुआ महाराज? अरे महात्मा तो आते जाते ही रहते हैं, आते जरूर हैं रानी। महाराज लाई मुपे तेरा वाचा भरवाई, जो कुछ मांगो दियो हमारो लीनो राजो चेनाए। रानी मैं आज महात्मा को तीन वचन देकर के अपना राज दे चुका हूं। आज बंधु जो महाराज ने कहा कि हमने जो कुछ दिया उन्होंने मांगा, तिरवाचा देकर के हम पूरे राज को दे चुके हैं, लेकिन राज दे दिया उसमें मुझे कोई दुख नहीं। तो महाराज एक बात और है, अरे कहे भवन को त्याग जाओ तुम भाग्य के प्राणी चारो। ओ रानी मत रहो राज के माध्य रे हारज होए भैया भारो। राज को मैंने दे दिया लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ। आज वो महात्मा कहते हैं तुम चारों प्राणी मेरे राज से दूर निकल जाओ। रानी हम चले न एक कोस उड़ गए हो सब बंधु क्या डारो, बंधु क्या डारो, अब कौन यसन से ओ गोरी देखी अब ते आई गुजारो। राजन कहने लगे, ओ रानी अब ये गुजारा हमारा कैसे होगा, हम एक कोस पैदल न चले। अरे हम तुम तो चल रहे लेकिन हमारे दोनों बच्चे बारे बारे हैं। आज बंधु जो इतने शब्द सुने रानी को होश उड़ गए, और क्या हुआ? अरे सुने बचन नारी घबरानी, अरे सुने बचन नारी घबरानी, कैसे करो धर्म की सैया मानी। भजन अरे सब दैतानो रजोधानी, अरे उसमें क्या या बुयाना कानी। बंधु रानी कहने लगी है, हे प्राणनाथ जब तिरवाचा भर के तुम राज दे ही गए, अब इसमें क्या आनाकानी है, महात्मा का राज हो गया तो हमारा रहना भी व्यर्थ है। लेकिन हुआ क्या मेरे नौजवानों? मुझको तो नहीं कुछ ख्याल, अरे सुनो जी पति प्यारे, ये कोमल है दोनों लाल रे यो मर के सैया बारे,
महाराज हमारे बेटा सरवर नीर ए संकट सहे न जाए देख के दिल न धरे गोधीर हे राजन हम दोनों चाहे कैसी विपत्ति हो उसको काट सकते हैं लेकिन ये कैसे हमारे दोनों बच्चे रहेंगे हुआ क्या भैया व्याकुल देखी नारी धीर और धार भूप कई बानी तू करे कौन को मोहरी बावरी मेरी रानी चुम्मी पड़ गई माया जाल में आप भी रोने लगी ए बिद ने लिखा लाट राजी और पाटी करो राजधानी करो राजधानी अब मेल को छोड़ चलो रे देख दाने देखे दानी आज मेरे नौजवानों राजा कहने लगे ओ रानी जब तक हमारे मुकद्दर में लिखा था हमने वक्त तक राज किया लेकिन अब अरे सुन कर बचन पति प्यारे के ध्यान दे हमें लाई रे दे हमें लाई रे हाय करे धरे पर धूर मोह ममता में पड़े दिखाई रे सैया मेरे प्राणनाथ अब कैसे होगी प्राणनाथ तज चलो यहाँ पर ये तो भूमि पर आई रे सैया महाराज अब तो चलिए जल्दी कीजिए आज मेरे रोजबानों देखिए रात्रि का वक्त था पर कैसे जा रहे हैं भूषण सकल कपड़ा फटे तन धार की दमड़ी न बांधी गांठों में धनियों महल विसार के अब धर्म के बंधन फंसे दैला तो सब में मार के देखे न कोई रात में कर गबन दियो विचार के आज मेरे नौजवानों चल देते हैं और हुआ क्या है जहां तक राजा को बास बास नहीं कियो ये चले दिना यो रात न पानी पियो महाराज नीरब न कंठ गए को मिलाई अरे पाइन छाले पड़े के मुंह पे के तक कहीं नहीं जाई आज मेरे नौजवानों रात्रि के 12 बजे चारों प्राणी आज घर से निकल लेते हैं फटे हुए वस्त्र धारण किए और हुआ क्या है आज मेरे नौजवानों चारों प्राणी चले जा रहे हैं अपने
नगर से बाहर निकले हैं और देख देख करके अपने नगर को आंखों से आंसू बरसने लगे हैं। और कैसे जा रहे भैया? अरे हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, अरे छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। हो रामा रे, हो रामा रे, अरे हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। ये गलिया पति पनीगट मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना, ये कल तक तो ये अपना था, अब लगता है बिगाना, बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। महाराज आज सोचते चले जा रहे, कल क्या था, आज क्या हो गया है। ये पंछी, ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना, आते जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। आज मेरे नौजवानों चले जा रहे हैं, पाम दुखने लगे हैं, सरवर राजा की गोद में है, नीर रानी की गोद में, दोनों बच्चों को आज रास्ता में जाकर उतार दिया है। बेटा आप धीरे धीरे चलो हमारे साथ। और हुआ क्या है मेरे नौजवानों? अरे देख सुतन की गति, नार के पति पुत्र दो बारे, जे भूखे तज दे प्राण, रे के प्यास के सजना मारे। आज बंधु टीका टीक दोपहरी है और चले जा रहे धुनबाने। महारानी कहने लगी, महाराज कुछ तो रहम कीजिए। अरे देख सुतन की गति, नार के पति पुत्र दो बारे, पुत्र दो बारे, जे भूखे तज दे प्राण, रे प्यास के सैया मारे। महाराज कुछ तो रहम कीजिए, देखिए ना अपने पुत्रों की तरफ आज इनका चेहरा कैसा कुमलाया हुआ है। एक काम कर लो नाथ, अरे कछु छाया में सेताओ,
कछु छाया में सहताओ और खाने की सामा लाओ सैया, पानी पीकर प्यास बुझाओ और मरने से इन्हें बचाओ। आज एकदम से रानी की ओर देख करके राजा, अब सुन रानी के बेन कहे राजा ज्ञानी, अब थोड़ी रह गई शेष हमारी रजये धानी। ओ रानी नेक और चलो, अब हमारी थोड़ी दूर तक ये राजधानी है, इसे पार कर ले जब कुछ होगा। अरे जो खाई राज मेरी खाना, अरे जो खाए राज मेरी खाना और पापू चढ़े देख मन माना, हमने सादो धर्म बिगाड़े मती रानी, अब थोड़ी रह गई शेष हमारी रजई दानी। आज एकदम से कहने लगे हैं कि ओ रानी तू मर जा, चाहे तेरे दोनों बच्चे मर जाएं, लेकिन जब तक हम राज्य से बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक कुछ नहीं खाएंगे न पिएंगे। हुआ क्या मेरे नौजवानों, जब गए शहरों में आई कष्ट सहे भारी, एक शहर चमकने लगा है तो धीरे धीरे चारों प्राणी उस शहर के बीच पहुंचे और हुआ क्या, वहां ढूंढी एक सराई मिली भटियारी, महाराज भूपने जोड़े दोनों हाथ मैया, अरे देवे दमड़ी नायरी मैया काटन चाहे रात ही, आज मेरे नौजवानों एक सराय पे पहुंचे हैं, वहां भटियारी मिल जाती है, हाथ जोड़ करके राजा अंब कहने लगे, ओ मैया हम परदेसी हैं, तेरी सराय में एक रात रुकना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास देवे के पैसा ना है। जो इतने शब्द सुने हैं भटियारी कहने लगी, तू जैसे यहां निवक 36 आते हैं, आगे बढ़ जा आगे। इतनी सुने राजा गयो है रोई, भैया इतनी सुनिए तरा जा गौ है रोई, अरे बन जा जो धर्म की मैया और बेपता में टिका ले मोही मैया, अरे आई खाना खावे न लिया तेरी खाट, अरे रात की रात रहेंगे री मैया, भोरे अंतरवन मेरी बाट, अरे हम परदेसी अंतर में जाएंगे, हे राजा
रोबा तू आनी आनी भात मेरी बन के बिगारी दिना रात। अरे राजा तो भैया रोई रायो मेरे नौजवानों, राजा आज नौ नौ आंसू रोने लगे हैं, चरणों में गिर के बोले मैया एक रात में टिका ले। आहा बंधुओं, भट्टियारी को कुछ रहम सा आ गया, और जो नेगा आगे को बढ़ाइए तो रानी आमली पर नजर पड़ी, मन ही मन मुस्काए गई, हम तो जाए अकेले ही समझते, इसके साथ में तो बड़ी सुंदर स्त्री है। बोले भाई खड़ा हो जा। अरे मन ही मन हंस गई तुरत भटियारी, अब चिंता मत करो तुम, हम नौकर लिए बनाई सुभर संग नारी। महाराज करी जन राजा सो समझाई, अरे करो यहाँ रोजगार तुम्हें हम धंधे से दिए लगाई। आज भट्टियारी कहने लगी ओ भैया ओ मुसाफिर, अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लें, लेकिन एक बात और सुनो, हम तुम्हें काम भी बता दें, काम तुम्हें क्या करना होगा उसका दाम भी तुम्हें बता दें। बोले हाँ मैया बताओ। दो गठरी सूखे पात बीन निज हाथ बनी से लाना, फिर झोंको तुम तंदूर रे मिलेंगे तुए दो आना। दो गठरी सूखे पात बीन करके लाना होगा, और सुनो, अरे दो कामों के दाम हो जब शाम रोज तुम आना, रोज तुम आना। लेना जसर से हाल रे पेट भारी खाना। इस प्रकार से कहा कि दो गठरी सूखे पात बीन निज हाथ बनी से लाना, फिर झोंको तुम तंदूर मिलेंगे तो दो आना। मेरे नौजवानों, उस समय दो आना रुपए पैसे बहुत थे, क्यों कि चार आदमियों का दो आने में बहुत गुजारा अच्छी प्रकार से हो जाता था। और कहा कि सुन भाई मुसाफिर, अगर तुझे मंजूर है यहां पर करना काम, उठा अलग बताए दू सो करो सभी आराम। बंदो राजा के लिए जगह ही कहां थी, आज देखिए कहां तो राज को करने वाला, और इधर में आज दो पैसे की नौकरी को मंजूर हो गया। और हुआ क्या है कि मैया अब तो हम तेरे यहां रहेंगे, लेकिन एक काम कर दे, कौन सो, हम कई रोज के भूखे हैं बच्चों पर पड़ी तबाही है। हम कई रोज के भूखे हैं बच्चों पर पड़ी तबाही है, ये रोते हैं भूखे प्यासे हैं नारी लख के घबराई है। अरे ओ मैया मैया कुछ चीज मंगा देना, इन पानी दऊं पिलाई है।
मैं करूं सुबह से काम तेरा भुगता दऊं पाई पाई है। आज राजा अंब कहने लगे, ओ मैया कुछ खाने की चीज हो तो हमें मंगा दो, हम कई रोज के भूखे हैं। अरे हम तो भूख प्यास सह भी लेते, लेकिन हमारे ये दोनों बच्चा बारे प्राण अपने तज देंगे। तो बंधु इतने शब्द सुनकर के क्या हुआ है? सुन कर इतने बहन अरे दया तो कुछ लाई, ए भटियारी तत्काल रे शहर को भैया धाई, महाराज चना गुड़ दो पैसा के लाई, ए दिए भूप के हाथ रहन को कोठा दिए बताई। आज चना गुड़ ला करके भटियारी राजा के हाथ में दे दिए, लो ये तुम्हारे लिए कोठा है रहने के लिए, और इस चना गुड़ से अपनी भूख बुझा लो, पानी पी लो, आराम करो, सुबह से मेरे काम पे लग जाना। बोले हाँ मैया। इधर बंधुओ रात व्यतीत की और दूसरा दिन हुआ। क्या हुआ है मेरे नौजवानों? अरे पत्ता लेने को गो तो राजा ने जरानी को छोड़े सराई, अरे उसी समय खाना बनवाने सौदागर ये तो पहुंचो आई। अरे बोलाया कर भटियारी से जल्दी खाना दियो बनाई, झाज खड़ो है मेरो दरिया पर ज्यादा देर रुकन को नाई। इतनी सुने भटियारी बोली, पांच मिनट में दिए बनाई, ले तो आप चार पाई पे तुमको होका दिए बनाए, नजर घूमे गई सौदागर की और रानी पे पड़ी लखाए। और हुआ क्या मेरे नौजवानों? आज धीरे धीरे उस सौदागर की निगाह रानी आमली पर टिकी आई। हाय देखते ही लोभी आएगो, इतनी सुंदर स्त्री या क्या कहां से आई? अरे पास बोलाए कर भटियारी से सौदागर बोलो रे समझाई, आए घरवारी जो जाई बनाए दे बैठी सात पोस्ट तक खाई। इतनी सोने भटियारी बोली, कामिनी मंद मंद मुस्कियाए, लाख रुपया मोकू जो दे दे तो मैं देख ले मेरे फुसलाए, जाको मालिक को करे नौकरी बद फैलने में मोई दिक्कत नाई, खाना छोड़ यही पर जाइयो दरिया पे देंगी पहुंचाई, ऊपर देख चढ़ाए दऊं बाको फिर तेरी मन मानी है जाए। आज इधर मेरे नौजवानों 1 लाख रुपया और एक हीरे की अंगूठी सौदागर दे करके वहां से चल दिया है, और इधर वो भटियारी क्या करती है, रानी आमली के पास पहुंची। बोली बहना, जिस दिन से तू मेरे यहां आई है जब से तेरा चेहरा कुमलाया जैसा रहता है, ऐसी क्या बात है, चल आज मैं तुझे सैर कराऊंगी। रानी आमली कहने लगी, मैया हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा सैर करना। कि नहीं सुन, अरे मैं बात से तत्काल मजूरी अपनी पाऊंगी,
ओरी बहना, देख तेरी दुहती फट गई है, तेरा ब्लाउज भी फटा हुआ है। चलो ना बंधु, आज वो दुखिया नहीं समझ पाई और हुआ क्या है। अरे लोभ में आई गई रानी, और नहीं कुछ समझी चाले सी सपे होनी मरा रानी भैया। अरे संग भटियारी के धाई, अरे सौदागर को झाज करो उस दरिया पर जाई। आज मेरे नौजवानों, रानी आमली ने अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया सराय पर, इधर भटियारी के संग खाना लेकर के और दरिया पे पहुंची जहां सौदागर का जहाज खड़ा था। हाय कही भटियारी ने ये बानी, तेरो खाना है तैयार के खा ले सौदागर ज्ञानी। बोले ओ भैया सौदागर, ले हम तेरा खाना तैयार करके ले आए। सौदागर मुस्करा गया है बंधु, हुआ क्या है सौदागर? कहने लगा खाना भेजवा दो हमारा ऊपर। अरे तुरंत सौदागर मुझसे क्या नो, अरे जल्दी ऊपर भेज हमारो भटियारी खानो। अरे कहे भटियारी रानी से, ओरी बहना, अरे तू खाना दे पहुंचा हमें लगो, अरे तू खाना पहुंचाए हमें डर लागे पानी से। आज बंधु भटियारी कहने लगी बहना, ले ले खाना तू ऊपर जहाज पे पहुंचाया, मुझे ये पानी देख के डर लगे रहो। रानी नहीं समझ पाई मेरे नौजवानों, खाना हाथ में ले लिया और कितनी मगन है और क्या हुआ है। भटियारी को कहनो मानी रे के हाय नहीं तो बुआ सकुचानी भैया। अब धर से यन पे पावरे के चढ़ गई भैया रानी, महाराज बड़ा था सौदागर पर बीनो, अब लंगर दीनो खोले जहाज की चालू करी मशीन। आज जो ही रानी ऊपर चढ़ी है, एकदम से सौदागर लंगर को खोल दिया, जहाज को चालू कर दिया और हुआ क्या भैया। अरे ले गया ले गया तू समर ले गया अब दुखिया को, चलो अलवा जहाज चलत मैया ने देखो धरती गिरी तमारो खाए। जने मुड़ मारी दो यारे देहरी दे सुनिया छार छार है जाई, वो दुख बरन अब्बा समय को मेरी रजी वाला बेटा खाए। कौआ लोरो हेरे बागर में मानो सिया हरन है जाए। आज मेरे नौजवानों, जब तक रानी को होश आया तब तक तो सौदागर जहाज को लेकर के 32 मील निकल चुका है। आज रानी आमली को होश हुआ तो फटी फटी आंखों से चारों ओर को देख रही और क्या कहने लगी। अरे धोखे में लियो ए फांस पापनी मुंह पे पंदा डरो रे भगवान, ये क्या हुआ।
अरे धोखे में लियो फांसी पापिनी मुँह पे फंदा डरा रे। अब कौन से मैया कहे हमारे बारे दो लाला रे। हमें न देखे जब आंगन में गैया से डकरा भेरे। आज बंदो रानी कहने लगी ओ भैया आज जब हमारे बेटा देखेंगे कि हमारी माँ कहाँ है और ये सुनेंगे कि माँ हमारी नहीं आई तो क्या कहेंगे। आज पिया जब लौट के आएंगे जब हमें न देखेंगे तो बड़े दुखी होंगे। आज क्या हुआ जो दुश्मन बंधु धीरे धीरे वो सौदागर पहुंच गया रानी आमली के पास। रानी के ढिंग जाए कही मुस्काई पास तेरे आयो अवले भरतार बनाई री के बचन हुआ रे सुनायो। आज सौदागर कहने लगा अब तो तुम हमको अपना भरतार बना लो भरतार। ओहो जो इतने शब्द सुने रानी खड़ी हो गई। ए हिल मिल कर तू प्यार न कने न कार प्रेम कर भारी प्रेम कर भारी हम तो कुलाए खरीदरी तू बन जाय घरवारी। आज सौदागर कहने लगा ए सुंदरी हम तो तुझे खरीद करके लाए अब मुझे भरतार बना ले तू मेरी रानी बन जा। आज जो इतने शब्द सुने हैं रानी एकदम से गैया सी रोने लगी। बंधु अरे दिल में नई धीर दर ये भगवान अरे दिल में नई धीर दर होंगी अब मैं पानी में डूबी मरे होंगी। आज रानी आमली कहने लगी है ओ भैया सौदागर मेरे शरीर से हाथ मत लगा देना दूर रहना दूर। अरे मैं याद मघात करूंगी और मैं खाए के जहरो मरूंगी। आज जो रानी आमली कूदने को हुई बंधु सौदागर पीछे से धोती पकड़ लेता है। रानी आमली एकदम से कोने में खड़ी हो जाती बोली भैया ओ भैया मेरे शरीर से हाथ मत लगाओ मैं पतिव्रता हूं मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट न कीजिए। सौदागर कहने लगे तू पतिव्रता है वहरी पतिव्रता दूसरे के यहां नौकरी कर रही यहां पतिव्रता बन रही है। सुन अब तो मैं तुझे अपनी घरवाली बना के छोड़ूंगा। रानी कहने लगी भैया अपनी जीव समारे अरे कहां तेरे नारे निवल की जानी तेरे मुख में पीड़ा पारे अरे बुरी जो बोले पानी। मुख में कीड़ा पड़े रे बुरी जो बोले बानी।
बसाई दया न लाई डारे बादर भार। मेरे घर की फुलबारी को